हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों नहीं मिलता इंसाफ, क्यों इतनी देरी होती है कोर्ट्स में, जो है इतना टाइम क्यों लगता है, एक केस इतना लंबा क्यों चलता है। ये जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं आज जो है पर्सनल एक्सपीरियंस से देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज ही के दिन मैं एक कोर्ट में गया था। मैं कोर्ट का नाम नहीं लूँगा, ना मैं केस का नाम लूँगा, ठीक है, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, पर मैं आपको जो है सिचुएशन बता देता हूँ। केस था मेंटेनेंस की रिकवरी का, यानी लड़की की साइड से जो है मेंटेनेंस रिकवर करनी है, हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस देनी है लड़की को। और मैं उस कोर्ट में गया आज, और क्या हुआ कि जज साहब ने मुझे बोला कि दूसरी पार्टी नहीं आ रही है और वो आज पेमेंट नहीं देगी। मैं बहुत शॉक हो गया कि सुबह मैं जल्दी पहुंचा और जाते ही मुझे ये चीज़ सुनने को मिली कि दूसरी पार्टी नहीं आ रही, वो मेंटेनेंस नहीं देगी। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि ये चीज़ जो है जज साहब मुझे क्यों बता रहे हैं और इससे मेरा क्या पर्पस सॉल्व होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ कि ये जो मेंटेनेंस का केस है, ये जो ऑर्डर है, मैंने 3 या 4 महीने में जो है पुश कर करके 3 या 4 महीने में ये ऑर्डर ले लिया। हालांकि एवरेज जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर लेने में 1 से 1.5 साल का वक्त भी लग सकता है, तो ये मैंने ऑर्डर जो है 4 महीने के अंदर अंदर, केस डालने के 4 महीने के अंदर अंदर इंटरिम ऑर्डर ले लिया था मेंटेनेंस का। अब बात आई पेमेंट की। पेमेंट के लिए क्योंकि मैं इस ऑर्डर के खिलाफ सेशन जज भी पहुंच गया और हाई कोर्ट भी पहुंच गया, तो अभी जो है ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट पे विचाराधीन है। तो जब मैं कोर्ट के अंदर पहुंचा उस सुबह, तो जज साहब ने बोला कि दूसरी पार्टी में पेमेंट नहीं देगी, वो नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं और ज़्यादा शॉक हो गया कि ये चीज़ जो है, इससे जो है मेंटेनेंस के जो अमाउंट जो बन चुका है उस पे क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि हाई कोर्ट की जो अपील है वो मेरी है, मैंने फाइल की है वो अपील, तो मेरे अपील पे कैसे स्टे हो सकता है विदा किसी ऑर्डर पे, जो कि मेरा ही केस है ऑब्वियसली। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन जो भी थी, वो जो धारणा थी गलत थी। तो जज साहब को थोड़ा गुमराह किया गया था दूसरी पार्टी के वकील साहब ने, उन्होंने ये बोल दिया कि अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो मैं आज जो है मेंटेनेंस नहीं दूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा। जज साहब ने वही चीज़ मुझे बताई, तो मैंने जो है क्लैरिफाई किया कि जज साहब, जो मेंटेनेंस का केस है वो मैंने किया हुआ है हाई कोर्ट में, जो अपील है वो मेरी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो उसका बेनिफिट इनको कैसे मिल सकता है, वो तो मेरी अपील है। अगर उसमें कोई स्टे ऑर्डर होता तो मैं आपके नॉलेज में ले आता, उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगा हुआ, और उसमें जो है इन्हेंसमेंट के लिए, अमाउंट इन्हेंस करने के लिए, और उस अपील का जो मटेरियल है वो बहुत अलग है, जो मैंने तो इनफैक्ट अमाउंट को भी नहीं चैलेंज किया, मेंटेनेंस अमाउंट को नहीं किया था चैलेंज, डोमेस्टिक वायलेंस के दूसरे प्रोविजन जो ऑर्डर के दूसरे प्रोविजन हुए थे, जैसे रेजिडेंस ऑर्डर और शेयर्ड हाउस होल्ड, उसको मैंने चैलेंज किया था, तो मेंटेनेंस को तो मैंने चैलेंज ही नहीं किया हाई कोर्ट में। तो मेंटेनेंस पे स्टे कैसे ले सकते हैं, दूसरी पार्टी कैसे बोल सकती है कि वो जो है पेमेंट इसलिए नहीं देगी क्योंकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। और इवन इफ अगर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोई स्टे ऑर्डर है उसके पास कि स्टे है उस मेंटेनेंस केस में, तो मेंटेनेंस नहीं देंगे इसलिए। तो मेरे को तो बड़ा शौक और अचंभा हुआ कि सुबह सुबह मुझे ये चीज़ सुनने को मिली कि मेंटेनेंस जो है नहीं देगा वो। तो अब मैंने जो है सिंपली जज साहब से ये कहा कि मेरे जो है मेंटेनेंस 6 महीने से पेंडिंग है, कृपया जो एरियर्स हैं वो मुझे रिलीज़ करवा के दिया जाए। तो जज साहब ने बोला, जब वो आ नहीं रहे हैं तो मैं कैसे उनको कह दूं कि वो जो है रिलीज़ करा दें पेमेंट। मैंने कहा, जनाब आपका ऑर्डर है, आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आम जनता क्या सोचेगी, आम जनता पे विश्वास ही उठ जाएगा, कानून का से विश्वास उठ जाएगा अगर आप ऐसी बातें करोगे। तो मैंने ये बोला कि जनाब ये है कि आप जो है एटलीस्ट एडवर्स ऑर्डर तो पास कर सकते हो। अब ये चीज़ मुझे बतानी पड़ी कि क्यों, अगर सिंपली उन्होंने बोल दिया कि वो नहीं आएंगे पेमेंट करने, तो ऑब्वियसली जज के पास इतनी पावर है कि वो एडवर्स ऑर्डर करें।
तो जज साहब ने ये सुन के एटलीस्ट दूसरे पार्टी के काउंसिल को फिर से बुलाया, उसे बताया कि भाई तुम्हारी जो है, तुमने जो है गलत सबमिशन की है कोर्ट में, कि हाई कोर्ट में जो है इनका केस पेंडिंग है, तो तुम कैसे बेनिफिट ले सकते हो उस चीज़ का, और जो इनकी पेमेंट है वो आज दो। तो दूसरा वाला काउंसिल ने पहले तो सॉरी फील करा और उसके बाद कहता कि मुझे जो है डेट दे दो, मैं अगली डेट पे पूरी पेमेंट करा दूंगा। मैंने जज साहब को ये बोला कि जनाब ये पिछले 6 महीने से ये पेमेंट पेंडिंग है और 6 महीने से जो है पेमेंट की नहीं है इसने, मेरे जो बच्चा है उसकी स्कूल की फीस जानी है अप्रैल के महीने में। तो ये मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताया, तब जाके ऑनरेबल कोर्ट ने एक शॉर्ट डेट दी मुझे और कहा कि अगली बार अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं जो है एडवर्स ऑर्डर करूँगी, और तब जो है वो केस जो है आगे बढ़ा। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि देखिए, अब मैं ये बताऊं कि कोर्ट में जो है बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आपका जो क्लाइंट है वो आप पे उम्मीद रखे हुए है कि आप जो है उसे इंसाफ दिलाएंगे, और जो हम हैं हम जज साहब से उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम जो है एज अ लॉयर, एज अ वकील, हम ये वेट करते हैं कि जज साहब जो है कोई एक अच्छा ऑर्डर हमारे लिए पास करेंगे, जो भी अपनी पावर यूज़ करेंगे और एक इंसाफ देंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये चीज़ हो नहीं रही है। आप आज कोर्ट में जाएंगे तो अगली तारीख मिल जाएगी, जी वो बीमार है, वो आए नहीं, वो प्रेजेंट नहीं हो पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होता, एक डेट मिल जाती कि अगली तारीख मिल जाएगी, उसमें जो है वो डिले जो है गेम शुरू हो जाता है। अब हम कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये तो बात सही है, पर डिले गेम में जो है लॉस उसका होता है जो केस जीत चुका है, जिसके फेवर में ऑर्डर आ भी चुका है और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। ऑर्डर का होना ना होना फिर एक ही बात है ना, आप इतने साल केस लड़ो उसके बाद जो है वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट ही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको, पूरी इतने साल केस लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्ट ऐसा करता है, और आजकल जो है कि ये चीज़ ट्रेंड हो चुकी है कि जो दूसरी पार्टी है डिफॉल्टिंग पार्टी को डेट मिल जाती है बहुत इजीली, एडजर्नमेंट मिल जाती है बहुत इजीली। जो भी है ये चीज़ प्रैक्टिस जो है डिस्करेज होनी चाहिए कोर्ट्स में, कि जो ऑर्डर का कंप्लाइंस है वो कोर्ट इंश्योर करे कि वो ऑर्डर कंप्लाई हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस ऑर्डर का, वो एक पीस ऑफ पेपर की तरह रह जाएगा ऑर्डर और उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब तक कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो जो है ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रोज़ होते हैं। तो मेरा यही काम है कि मैं जो है उस जो भी जज हैं, जज साहब हैं, उनको प्रेशर करूँ, थोड़ा फोर्स करूँ, थोड़ा अपनी बात अच्छी तरह रखूँ। मैं तो इवन क्लाइंट्स को भी कई बार बोलता हूँ कि आप भी बोलो, बट कई बार ये होता है कि हम इनकरेज इतना नहीं करते क्लाइंट्स को ज़्यादा बोलने के लिए, क्योंकि वो फिर केस को थोड़ा वो वहाँ ले जाते जहाँ हमने ले जाना नहीं चाहते। पर जो भी है, मतलब अगर आप देखें तो ऑर्डर का होना, केस जीतना कोई मायने नहीं रखता जब तक वो जो ऑर्डर है इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट्स जो है एग्जीक्यूशन में आपको जो है एज अ लॉयर, आपके जो लॉयर हैं आपके, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लॉयर को पुश करना चाहिए। मैं जो है सिंपली डेट लेके आना का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पुश करना चाहिए कि जनाब 6 महीने से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप इसमें कोई एडवर्स ऑर्डर कीजिए, आप इसमें कोई ऑर्डर पास कीजिए, अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं तो लास्ट अपॉर्चुनिटी दीजिए, पर कुछ कीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आजकल जो है प्रॉब्लम है ये ट्रेंड बन चुका है कि दूसरी पार्टी आती है वो डेट लेके चली जाती है और केस जो है खिंचता है कई सालों सालों से। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपके काउंसिल की ये ड्यूटी बनती है कि जज साहब को रिमाइंड करें कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तो इस बारी अलाउ नहीं करें, इस बारी जो है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दें।
बाकी देखिए, अब कई मैं जजेस को भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है आफ्टर कोविड, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके लिए भी जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है। पर जो भी है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वही असली इंसाफ है एक क्लाइंट के लिए कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और उसका जो भी फ्रूट्स है, यानी डिक्री के हम फ्रूट्स कहते हैं अब इसे, वो उस क्लाइंट को मिले। नहीं तो फिर ऐसी डिक्री, ऐसे ऑर्डर का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ पेपर पे है और रियल में नहीं है। तो ये मैं आपको जो है आज इस वीडियो के ज़रिए जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो आजकल प्रॉब्लम यही हो रही है कि हर कोर्ट में जाओ, सिंपली दूसरी पार्टी आती है, डेट लेके चली जाती है और कुछ नहीं होता उस केस में। तो वहाँ पे जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि आपके जो काउंसिल है वो कितना प्रोएक्टिवली जो है पुश करें कि आगे जो है केस बढ़ाएं और कितने प्रोएक्टिवली काम करें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो करनी है आज की डेट में। नहीं तो फिर प्रॉब्लम यही होती है कि वो जज साहब भी डेट दे दे, क्योंकि इतने इतने सारे मैटर्स हैं तो वो भी फिर नहीं सुनते हैं, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी नहीं इंटरेस्टेड है आर्ग्यू करने के लिए वो नहीं सुनेंगे। तो कई केसेस में मेरा ऐसे हो रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।